हे व्यूअर्स, तो आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं हम लोग आपके साथ में नमक पारी की रेसिपी, जो कि बन करके ना 10 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। इवनिंग स्नैक्स में आप इनको ले सकते हो। तो आपको लेना है सबसे पहले प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा, उसमें नमक ऐड करना है थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर जो है हाथ से ना इस तरीके से क्रश करके डाल देनी है हमें इसके अंदर अजवाइन। फिर इसके अंदर डालना है थोड़ा सा घी या तेल, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। अच्छे से इस तरीके से इसको जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको हाथ से जब बांध के देखोगे ना, तो ये मतलब शेप लेने लगेगा, उस तरीके का हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है धीरे धीरे, और इसका जो है टाइट सा आटा गूंद लेना है जिस तरीके का मैंने किया। अब इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। वापस से जो है हाथों को जोर देकर ना, हाथों से इसको अच्छे से जो है नरम बना लेंगे एकदम, मतलब ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, जैसा आटा होता है तैयार। तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आप जिस हिसाब से ले रहे हो वैसे आपको करना है, या चाहो तो अपन इसको ना सिंगल भी, इसको एक जगह इसको पूरे को भी बेल सकते हैं। मैं इसके दो पार्ट्स कर रही हूँ इधर। अब अच्छे से इसको जो है, इसको पतली सी जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके से इसको पूरा बेल लेंगे, पतला सा एकदम। तो इस तरीके से बिल जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है जिस तरीके से, पहले इसको लंबा लंबा कट करना है, उसके बाद इसको साइड से कट करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि आप अपने हिसाब से भी आप इसकी जो है शेप रख सकते हो। मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबे कट नहीं करूँगी, आप देख सकते हो मैं ज़्यादा लंबाई नहीं ले रही हूँ, इनकी कम ले रही हूँ। आप चाहो तो लंबे ले सकते हो, वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब लंबाई में इनको थोड़ा पतला रखना, और वैसे इनको चौड़ाई में इसको ज़्यादा कट कर लेना, वैसे तो वो भी शेप अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके की ये हमारी जो है कटिंग हो गई है। अब ऑयल को गर्म करना है, और इसको ना बिल्कुल हल्की आंच पर इसको सेकना है, मीडियम पर। अगर आंच आपकी तेज़ होगी, तेज़ पर आप इसको तलोगे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसको हल्की आँच पर सेकना है, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट इसको लगेंगी। उसके बाद इसका इस तरीके का अच्छा सा कलर आ जाएगा एकदम गोल्डन सा, एंड दैट्स इट, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आपने ज़रूर खाई होगी, लेकिन आपने पहले बनाई नहीं होगी। इसको इस तरीके से बनाओगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। सबसे अच्छी बात है इसको बना करके ना आप डब्बे में इसको स्टोर करके रख भी सकते हो, ख़राब नहीं होगी। और जब तक ये रहेंगे ना, जब तक आप इसको रखना चाहो रखो, ये क्रिस्पी ही रहेगी, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होगी, ना ही ये ख़राब होगी। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।